पूरा देखने के बाद ये वीडियो जरूर शेयर करना, ऐसे ज्ञानी लोगों तक तो जरूर ही पहुंचाना जो हमें सिर्फ होली पर ही पानी बचाने की सीख देते हैं, साल भर नहीं देते। चलिए शुरू किया जाए। तो भाई कुछ लोग होली पर पानी और दिवाली पर हवा बचाने का ज्ञान देते हुए ट्वीट कर करके अपनी उंगलियां सुजा लेते हैं। हैशटैग की ऐसी बारिश होती है कि होली खेलने वाले न जाने कितने ही अकाउंट जख्मी हो जाते हैं। परम ज्ञानी भैया लोग ये भी कहते हैं कि होली मनानी है तो दिल से मनाओ, पानी और रंगों से नहीं। तो भाई इसी लॉजिक के हिसाब से तो अपने बर्थडे पर केक क्यों काटते हैं भाई, दिल से कुछ काट लो, दिल से मना लो। वैलेंटाइन पर करोड़ों गुलाब के बागान क्यों साफ करवा देते हो, दिल से मना लो। पर ये दिल से मनाने वाला कॉन्सेप्ट ना मेरे को समझ में नहीं आता, मतलब यार त्योहार मना रहे हो महबूबा थोड़े ही। चलिए अब फौरन आपको फॉरेन की यात्रा कराकर ले आते हैं। हर साल स्पेन की बात कर ले तो वहां के टोमेटिना फेस्टिवल में 40 मेट्रिक टन टमाटर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे रिपोर्ट्स बताते हैं। हेलोवीन में 18,000 टन पंपकिन बर्बाद हो जाते हैं। अतरंगी कपड़ों की वजह से 2,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि क्रिसमस के टाइम 1,25,000 टन प्लास्टिक पैकेजिंग रिसाइकल ही नहीं होती, और उस दौरान काटे गए लाखों पेड़ 2 से 3 बिलियन किलो कार्बन फुटप्रिंट तो जनरेट कर ही देते हैं। लेकिन उनको कभी कोई ज्ञानी ज्ञान देने नहीं आता कि भैया अपना त्यौहार दिल से मना लो। क्यों? क्योंकि तुम ज्ञान दोगे तो भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये उनका त्यौहार, उनको जैसा मन हो वो वैसा मनाए। और बात सही भी है, मतलब दिल से मनाने वाली बात तो वही हो गई कि बॉडी बदबू मार रही है लेकिन आपको सही में नहाना पड़ेगा, दिल से नहा के तो फायदा होगा नहीं ना। ऊपर से न्यू ईयर के टाइम पर पूरी दुनिया में दनदनाते पटाखों की फोटो शेयर करके आप भी खुशियां मनाते हो, उस टाइम पे उनको नहीं बोलते कि जो पटाखे दगा रहे हो वो दिल से दगाओ, मोमबत्ती अगरबत्ती और माचिस से नहीं है। मतलब फेस्टिवल के टाइम फेस्टिवल मनाना जरूरी है, तुम्हारा मुंह बनाना तो जरूरी नहीं है ना। अब हम ये नहीं कहते कि दुनिया अगर कुछ वेस्ट कर रही है तो हम भी करें, नेचर की तरफ आपके कंसर्न को हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो बस एक ही तरफ सवाल या निशान लगाएगा तो आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे। इनफैक्ट दुनिया के 7 सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करने वालों की लिस्ट में कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब जैसे देश आते हैं, भारत उस लिस्ट में बहुत नीचे है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि शावर से नहाने वाले लोग 10 मिनट में शावर में 50 गैलन तक पानी बर्बाद कर देते हैं, और शावर में आदमी 10-20 मिनट तो लगाता ही है या फिर उससे ज्यादा ही। अब आप हिसाब भिड़ा लो कि कितना पानी बर्बाद हुआ। उधर बकेट से नहाने वाला आदमी 4 मग्गा डालकर ही हर हर गंगे बोलकर शुद्ध हो जाता है। वहीं एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि फ्लश वाले टॉयलेट में सिर्फ लीकेज की वजह से अकेले यूके में 215 से 400 लीटर पानी प्रति फैमिली बर्बाद हो जाता है। उनके पूरे देश में 5 से 8% टॉयलेट्स लीक करते हैं, ऊपर से टिश्यू पेपर अलग लगता है, वो अलग, पानी भी बर्बाद, पेपर भी बर्बाद, और तो और इससे इन्फेक्शन का भी खतरा बना रहता है, यानी पानी के साथ साथ सेहत से भी खिलवाड़ और ज्ञान हमको दिया जाता है। भाई पानी बचाना है तो आइए मिलकर रोज बचाएं, साल में 365 दिन होते हैं, उतने दिन मस्त पानी बचाओ ताकि बाद में एक दिन होली खेल पाओ। इसलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि त्यौहार नहीं व्यवहार बदलो, खुद थोड़ा जिम्मेदार बनो। और दुनिया में कोई भी त्यौहार 3 चीजों पर बड़ा असर डालता है भाई, सोसाइटी पर, कल्चर पर, इकोनॉमी पर, और इंडिया से उसके त्यौहार कभी अलग नहीं किए जा सकते भैया। ये पूरे देश को एक कॉमन सब्जेक्ट पर जो लाकर खड़ा करता है, जहां पर आप एक दूसरे से अपनी खुशियां बांट सकते हैं, त्यौहार चाहे जिसका भी हो। वैसे भी भारत के त्यौहार बाकी देशों के त्यौहार से काफी अलग होते हैं। दुनिया की सबसे पहली सभ्यता वाले हमारे देश का कोई भी त्यौहार दिन तिथि और ग्रहों की चाल पर आधारित होता है। सोचिए हम उस तकनीकी बौद्धिक क्षमता वाले देश हैं जिसने प्लैनेट्स के मूवमेंट से होने वाले हर बदलाव को भी एक इवेंट के तौर पर मनाया है और आज भी मनाते हैं। और पूरी दुनिया की संस्कृति का सम्मान करते हुए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि नेचर से हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ शायद ही कोई दूसरा देश हो इस प्लैनेट, और वो भी तब जब हमारी संस्कृति पर लगातार प्रहार हुए, धर्मस्थलों पर लगातार आक्रमण किए गए। और ऐसा नहीं है कि हमारे त्यौहार बस सोशल और कल्चरल इंपैक्ट तक सीमित। होली की ही बात करो तो हर साल करीब 25,000 करोड़ रुपयों का बिजनेस इससे रफ्तार पकड़ता है। हर साल पूरे देश में करीब 5,000 कलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 5,00,000 किलो गुलाल प्रोड्यूस करते हैं। इससे लाखों मजदूरों और कारीगरों का घर चलता है। कोरोना ने भले ही आज इस इंडस्ट्री को झटका दिया हो, लेकिन फिर भी इससे जुड़े लाखों लोग अभी तक आपकी और मेरी होली कलरफुल बनाने के लिए लगे हुए। कहने का मतलब ये है कि क्या सिर्फ एक दिन पानी बचाने या सिर्फ एक दिन हवा बचाने से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा क्या? ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, बल्कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और तभी तो ज्ञानी लोग कह गए हैं कि त्यौहार नहीं भैया व्यवहार बदलिए, और जो व्यवहार बदलने को राजी नहीं है उस तक ये वीडियो पहुंचाइएगा जरूर, दबा के इसे शेयर करिए। और जब शेयर करना ना तो ऐसे ज्ञानी लोग के लिए नीचे लाइन लिख देना कि कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटें, यहाँ हर कोई ज्ञानी है। बाकी प्लीज़ इस बार की होली हर बार की होली से अलग है, इसलिए ज़रा सेफ्टी के साथ इसे मनाइएगा, बीमार मत पड़िएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, ठीक? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इस वीडियो को दबा के शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप किस हिस्से से, देश के या विदेश के किस कोने से, किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। हैप्पी होली मेरे लिए, और नमस्ते जी बउआ, बउआ के लिए भी लिख सकते हैं। और हाँ, अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और Insta पे हमको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे तगड़ा लगा वो टैग करके बताएंगे तो बहुत फील आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए, और एक बार होली की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।